नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका। बात करेंगे एसआई भर्ती प्रक्रिया की। एसआई भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े जब सामने आए, एसओजी ने गिरफ्तारियां की है, काफ़ी लोगों को धर दबोचा है। उसके बाद एसआई की भर्ती प्रक्रिया पर संदेह हो गया, और इसकी प्रक्रिया को लेकर इस खबर के बाद बात करें। शिक्षा में गुरु, शिक्षक गुरु कहें या फिर सुभाष चारण की बात करें, हम सुभाष चारण सर इसके संदर्भ में क्या कहते हैं, बड़ा अहम पॉइंट उन्होंने कहा, उसके साथ फिर मेरी बात भी ऐड करूंगा। क्या ये कह रहे हैं कि अब पहले खबर देखिए, खबर ये कहती है कि अब आरएस भर्ती परीक्षा से होंगे थानेदार नियमों होगा बदलाव। आरएस भर्ती प्रक्रिया के अंदर शामिल करेंगे एसआई को। सबसे पहले सुभाष चारण सर क्या कहते हैं इसके संदर्भ में, फिर हम आगे बात करने वाले, ठीक है, फिर अपनी बात भी रखूंगा। एसआई भर्ती का वर्तमान पैटर्न ऐसा था कि कोई भी बच्चा घर बैठ कर तैयारी कर सकता था। सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाले कांस्टेबल थे, जो आराम से ड्यूटी के साथ पढ़ सकते थे। सुभाष चारण सर का कहना है कि एसआई भर्ती परीक्षा में तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा जो है कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, जो कांस्टेबल लग चुके हैं वो बैठ कर आराम से तैयारी करते थे, ठीक है। अगर इस भर्ती को आरएस पैटर्न पर कर दिया तो बच्चे को बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग की उसे भारी फीस देनी पड़ेगी। आरएस फाउंडेशन यानी कि प्री निकालने के लिए भी कितनी बड़ी महंगी फीसें होती हैं, कितनी बड़ी महंगी फीसें होती हैं, 80,000, 90,000, 1-1 लाख रुपए तक की फाउंडेशन तक की फ़ीस है। वही काम जो ऐसा ही भर्ती में 12-13 हज़ार रुपये में हो जाता था या 14,000 में हो जाता था, वहीं अब 80,000 से 1 लाख के मध्य मान के चलिए, फिर इतना डिफरेंस, इतने पैसे कहाँ से लाएगा गरीब। मेंस सब्जेक्ट के लिए उसे कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, मेंस के लिए किसी भी हाल में उसे करनी पड़ेगी, ठीक है। उन सब्जेक्ट पर का मैटर ना यूट्यूब पर है, ना ही बुक्स में जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि जो मेंस के हैं वो आपको पता है, एथिक्स वगैरह, टेक्निकल बहुत सब्जेक्ट होते हैं, उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। वो सारे कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको मेंस जो है आपको रिटर्न में करना होता है, मेंस आपको रिटर्न में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपकी तैयारी बड़ी ज़ोरदार, बड़ी फरफर जो है तैयारी चाहिए, प्रखर तैयारी आपको चाहिए होगी, ठीक है ना। पेपर चोरी ना हो इसका समाधान किया जाए। सुभाष चारण सर कहते हैं पेपर चोरी ना हो इसका समाधान आपको करना होगा। आप पैटर्न ही पूरा आरएस में डाल देंगे, ऐसा थोड़ी हुआ। अगर ये भर्ती आरएस पैटर्न पर हुई तो हर बच्चा तैयारी नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है, नहीं कर पाएगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चा ऐसा ही लगने की नहीं सोच सकेगा, बिल्कुल नहीं सोच सकेगा। 1 लाख रुपये प्री निकालने के लिए 1 लाख तक की फीस, उसके बाद मेंस के लिए, मेंस के लिए कितनी चाहिए फीस, वो भी तो देखें आप, ठीक है। और पेपर तो आरएस के भी आउट हुए, उन्हें भी आईएएस के तर्ज पर कर दो। तंज है ये सुभाष चारण सर का कि अगर एसआई का पेपर आपको लगता है कि आउट हुआ है तो हम इसे आरएस के तर्ज पर कर दें, आरएस में सम्मिलित कर दें। तो आरएस का अगर पेपर लीक हुआ तो आप उसे यूपीएससी या फिर आईएएस लेवल का करेंगे? ये तो बात थी आर्थिक स्तर की। अब मैं बात करता हूँ प्रशासनिक विडम्बना या फिर प्रशासनिक जो मतभेद होगा, टकराव होगा प्रशासन अधिकारियों के बीच में, वो बात भी आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ। देखिएगा, मान लीजिए एक पुलिस थाना है, पुलिस थाने में एएसआई होते हैं, एएसआई की भर्ती होगी तो एएसआई भी तो आरएस से लिए जाएंगे। एक थाने में 2 से 3 एएसआई हो सकते हैं, एएसआई हो सकते हैं, सर्कल ऑफिसर सीआई हो सकते हैं, ठीक है। एक थाने में 3-3 एसआई या फिर आरएस ऑफिसर एक थाने में होंगे, और उसी पूरे ब्लॉक का एक आरएस अधिकारी होगा एसडीएम, ठीक है। वो एसडीएम जब होगा, और थाने कितने होंगे, मान के चलिए 5 थाने आते हैं, 5×3 यानी कि 15 आरएस ऑफिसर एक और ये एसडीएम एक, लेवल दोनों का एक हो गया। फिर आप बात मानिए, फिर अगर एसडीएम इनको कोई आदेश देगा ये पालन करेंगे, करेंगे क्या? सीधी सी बात आपसे पूछता हूँ, बिल्कुल नहीं करेंगे। और कहेंगे अरे आप भी आरएस ऑफिसर, हम भी आरएस ऑफिसर, आप हमें आदेश देने वाले कौन होते हैं, ठीक है। और करेंगे तो भी एक फोर्सली एक सीनियर की तरह वो नहीं करेंगे, ठीक है ना।
तो ये मतभेद बढ़ने वाला है प्रशासन में, इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो सुझाव देते हैं वो देते कौन हैं, कि ये बिना हाथ पैर के सुझाव दे देते हैं, स्टडी करते हैं कि नहीं करते हैं उसका पता ही नहीं है। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये था आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से जो मतभेद होने वाला है उसकी बात मैंने की। अगर आरएस जो पैटर्न में करवाई जाती है एसआई भर्ती परीक्षा, तो ये सारी चीज़ें सामने आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।